ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हेडलाइनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अमरावती के तिवसा में शिवसेना शहर प्रमुख की हत्या। जिम शुरू करने के लिए मांगी 10 लाख की फिरौती। बालापुर तहसील में दोबारा बुआई की नौबत। ईंधन के कीमतों में वृद्धि को लेकर शिवसेना का आंदोलन। तेल्लारा तहसील के मार्गों के लिए पत्रकार का अनशन। अब समाचार विस्तार से। अमरावती जिले के तिवसा में शनिवार की रात शिवसेना शहर प्रमुख की हत्या की गई। यह घटना अमरावती नागपुर महामार्ग पर स्थित आशीर्वाद वाइन बार के सामने घटी। 3 से 4 अज्ञात आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अमरावती जिले में तब हंगामा मच गया जब तिवसा शिवसेना शहर प्रमुख की हत्या की घटना सामने आई। इस घटना को सुनकर हर कोई सुन्न रह गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमरावती जिले के तिवसा में शनिवार की रात 10:30 बजे के दौरान हत्याकांड की घटना घटी। तिवसा शिवसेना शहर प्रमुख अमोल पाटिल व अपने एक मित्र के साथ अमरावती नागपुर महामार्ग पर स्थित आशीर्वाद वाइन बार में गए थे। जब यह दोनों बार के पास बैठे थे तब 3 से 4 अज्ञात आरोपी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने अचानक अमोल पाटिल पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिर पर गंभीर चोटें आने से अमोल पाटिल खून में लथपथ गिर गए और उन्होंने जगह पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना की वार्ता शहर में हवा की तरह फैल गई। घटना की जानकारी पाते ही तिवसा पुलिस थाना प्रभारी रीता उइके अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। उन्होंने घटना का पंचनामा किया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच आरंभ कर दी है। पुलिस वाइन बार में लगे CCTV के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पथक रवाना किया है। जिम शुरू करने के लिए एक व्यवसायी को 10 लाख रुपयों की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में खदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। जिम शुरू करने के लिए एक व्यवसायी को फिरौती मांगने के मामले में खदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकोला शहर के सिंधी कैंप कच्ची खोली निवासी नरेश जीवत रामानी ने सिंधी कैंप परिसर में DJ स्टूडियो नाम से जिम शुरू किया है। इस जिम में व्यवस्थापक के रूप में निखिल जगमलानी कार्यरत था। जब से जिम शुरू हुआ है तब से व्यवस्थापक को सुनील भाटिया ने बेवजह तकलीफ देना शुरू कर दिया है। अब उसने जिम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपयों की फिरौती मांगी है। जिम के संचालक ने आखिरकार खदान पुलिस थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। इस शिकायत के आधार पर खदान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 384, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। दमदार बारिश न होने पर हाथरुन परिसर के किसानों पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है। हाथरुन परिसर के किसानों ने अपने खेतों में विभिन्न फसलों की बुआई की। बुआई के लिए कर्जा भी निकाला लेकिन अब खेतों में बीजांकुर सूखने के कगार पर है। विगत 8 दिनों से बारिश अचानक गायब हो गई है जिससे हाथरुन परिसर के किसानों पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है।
मानसून के शुरुआत में अच्छी बारिश होने से किसानों की आशाएं बढ़ गई थी, लिहाजा हाथरुन परिसर के हाथरुन समेत मालवाड़ा, लोनाग्रा, सिंगोली, बोरगा, वैराले, धामना, सोनाला, अंदुरा, हाता, कारंजा, रमजानपुर, निम्बा, नागद, सागद, काजीखेड़, मोखा, खल्लाला, टाकड़ी, निमकरदा, गायगांव, कौठा, लोहारा, यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में विभिन्न फसलों की बुआई की। कई किसानों ने सोने के गहने गिरवी रखते हुए या बेचकर बुआई की, तो कुछ किसानों ने बैंकों से कर्जा लेकर बुआई का कार्य पूरा किया। इस परिसर में तकरीबन 25-30% बुआई का कार्य पूरा हुआ है। खेतों में बीज भी अंकुरित हो गया है, लेकिन दमदार बारिश न होने के कारण यह बीजांकुर अब सूखने लगे हैं। किसानों पर अब दोबारा बुआई का संकट आ गया है। किसान अब दमदार बारिश की अपेक्षा में आसमान की ओर नजरें लगाए हुए बैठे हैं। ईंधन के कीमतों में वृद्धि होने के कारण आम जनता परेशान हो रही है। इसके खिलाफ अकोला में शिवसेना की ओर से 10 दिन का आंदोलन किया जा रहा है। रविवार को डाबकी रोड पर आंदोलन करते हुए गैस सिलेंडर की अंतिम यात्रा निकाली गई। ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार का निषेध करने हेतु अकोला शहर में डाबकी रोड मार्ग पर शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। डाबकी रोड पर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर के सामने यह आंदोलन किया गया। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर केंद्र सरकार का निषेध करने के लिए शिवसेना की ओर से 10 दिन का आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की श्रृंखला में रविवार को डाबकी रोड पर आंदोलन कर केंद्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूका गया। वहीं गैस सिलेंडर की प्रतिमात्मक अंतिम यात्रा भी निकाली गई। ईंधन के दामों में वृद्धि के निषेध को लेकर नारे लगाए गए। इस आंदोलन में शिवसेना शहर प्रमुख राजेश मिश्रा के नेतृत्व में पार्षद गजानन चौहान, मंजूषा शेलके, शशि चोपड़े, अश्विन नवले के साथ साथ शिवसेना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। आज अकोला शहरामध्ये तिसऱ्या दिवशी आम्ही पेट्रोल, गैस सिलेंडर आणि डिझेल आणि खायचं तेल या विरोधात ज्या केंद्र सरकारने हे पूर्ण देशामध्ये यांनी हे वाढवलेला आहे भाव, त्यामुळे गोरगरिबांना खूप त्रास होऊ राहिला, त्यांच्या जगणं मुश्किल झालेलं आहे। त्या निमित्ताने आम्ही पूर्ण अकोला शहरामध्ये आज तिसरा दिवस आमचं डाक्टर आंदोलन चालूच आहे आणि पुढे 10 दिवस आम्ही प्रत्येक चौकामध्ये जाऊन या विषयामध्ये लोकांना जनजागृती चालू आहे की तुम्ही जे चूक केलेली आहे आता पुढे भविष्यामध्ये चूक करू नका। ज्या लोकांनी आपल्याला अच्छे चांगले दिवस आम्ही आणणार असं दाखवलं होतं ते अच्छे दिवस कुठेच नाही आहे। एक माणसाचा दिवस चांगला नाही आहे। फक्त जे भाजपवाले आहेत आणि जे सबका साथ सबका विकास, फक्त भाजपचा विकास हा चालू आहे, ते सध्या गाव पूर्ण देशामध्ये लोकांचा राहणं मुश्किल झालेला आहे। तेलारा से जुड़े मुख्य मार्गों की बदहाली हो गई है। इस समस्या की ओर संबंधित अधिकारी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर स्थानीय पत्रकार ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया है। इस अनशन को सभी ओर से सहयोग मिल रहा है। तेलारा तहसील अंतर्गत आने वाले आड़सुल से तेलारा, तेलारा से हिवड़खेड़, तेलारा से वनी वारूला, तेलारा से वरवट, इस मुख्य मार्ग की दयनीय अवस्था हो गई है। इस मार्ग की बदहाली के कारण वाहन धारकों को परेशान होना पड़ रहा है। इस मार्ग का निर्माण कार्य संबंधित ठेकेदारों ने आधा अधूरा छोड़ दिया है। इस मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग को ज्ञापन देकर भी इस ओर अनदेखी की गई। आखिरकार इस समस्या को लेकर तेलारा के पत्रकार विशाल नांदोकार ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के तेलारा कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस अनशन को आम जनता का सहयोग मिल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दस्ते ने एक वाहन पकड़कर गोवंश को जीवनदान दिया। इस गोवंश को कत्तल के लिए ले जाया जा रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 9 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष पुलिस दस्ते ने नाकाबंदी करते हुए ताजनापेट परिसर में गोवंशों से भरा वाहन पकड़कर गोवंश को जीवनदान दिया। कत्तल के लिए एक वाहन में गोवंश लाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी विशेष पुलिस दस्ते को मिली। पुलिस ने मोमिनपुरा परिसर में नाकाबंदी करते हुए टाटा मालवाहक गाड़ी नंबर MH30BD2864 को पकड़ लिया। इस वाहन की तलाशी लेने पर इस वाहन में 12 गोवंश पाए गए। पुलिस ने रिजवान उर रहमान, मोबिन उर रहमान,
खंगारपुरा रहने वाले इससे 2.5 लाख के गोवंश और 6.5 लाख का वाहन इस तरह तकरीबन 9 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया। गोवंश को महेशपुर स्थित गोसेवा केंद्र में देखभाल के लिए भेज दिया गया। इस कार्रवाई में रामदासपेट पुलिस थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। यह कार्रवाई विशेष पुलिस पथक के प्रमुख विलास पाटिल तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों ने की। अकोट फाइल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लाखोंडा में राजेश भांडे पर गांव के कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में अकोट फाइल पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। राजेश भांडे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अकोट फाइल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लाखोंडा में राजेश रतिराम भांडे पर गांव के कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में राजेश भांडे के एक पैर को गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही अकोट फाइल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल राजेश भांडे को तुरंत वाहन में डालकर सर्वोपचार अस्पताल में इलाज के लिए लाया। जख्मी राजेश भांडे पर इलाज चल रहा है। इस मामले में अकोट फाइल पुलिस स्टेशन के थानेदार महेंद्र कदम, सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन सुशीर ने जांच आरंभ कर दी है। महावितरण के अकोला परिमंडल में बिजली ग्राहकों पर बिजली बिल के तकरीबन 500 करोड़ की बकाया राशि है। इस बकाया बिल को वसूल करने के निर्देश महावितरण के कर्मचारियों को दिए गए हैं। समय आने पर बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। महावितरण की ओर से अकोला परिमंडल में बकाया बिजली बिल के वसूली के कड़े निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 500 करोड़ की बकाया राशि होने के जानकारी सामने आई है। इस बकाया बिल को वसूल करने के लिए महावितरण के कर्मचारियों को बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस माह में बकाया बिजली बिल धारक 7000 ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। कोरोना के कारण 1.5 साल से बिजली बिल की वसूली ठप हो गई थी। इस बकाया बिजली बिल के वसूली का टारगेट महावितरण के संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया है। इस दौरान कर्तव्य में कसूर करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी महावितरण की ओर से दी गई है। अकोला परिमंडल में वसूली में अल्प प्रतिसाद मिलने पर मुंबई और नागपुर कार्यालय ने नाराजगी जताई है। 30 जून तक 100% वसूली करने के कड़े निर्देश संबंधित यंत्रणा को दिए गए हैं। तिल्लारा तहसील के वाड़ेगांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय योजना शुरू की गई है। खबरदारी के तौर पर इस गांव के लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है, जिसको उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है। तिल्लारा तहसील के गाड़ेगांव में कोरोना पीड़ित एक महिला की मौत होने से तिल्लारा का स्वास्थ्य विभाग सकते में आ गया है। तिल्लारा स्वास्थ्य विभाग ने गाड़ेगांव में कोरोना संक्रमण को लेकर उपाय योजना शुरू कर दी है। खबरदारी के तौर पर इस गांव के लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। गाड़ेगांव स्थित जिला परिषद शाला में टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है। अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस मुहिम को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने इस बारे में समाधान व्यक्त किया है। कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, ऐसा आवाहन स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव। अमरावती के तिवसा में शिवसेना शहर प्रमुख की हत्या। जिम शुरू करने के लिए मांगी 10 लाख की फिरौती। बालापुर तहसील में दोबारा बुआई की नौबत। ईंधन के कीमतों में वृद्धि को लेकर शिवसेना का आंदोलन। तिल्लारा तहसील के मार्गों के लिए पत्रकार का अनशन। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।